नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बी इंटेलेक्चुअल पर। हम लोग एनसीईआरटी समरी के नई सीरीज़ को देख रहे हैं और यहाँ सबसे पहले हम ले रहे हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास सिक्स की हिंदी वर्जन में हम हिस्ट्री के जो समरी है उसको हम देखेंगे। और इसका पहला जो चैप्टर है वो है क्या, कब, कहाँ और कैसे, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ। तो दोस्तों, हिस्ट्री पढ़ने के पहले एक अपने द्वंद्व चलता है मन में, ईसवी और ईसा पूर्व में क्या अंतर है। इस स्थिति को सबसे पहले हम कवर करेंगे कि ईसवी और ईसा पूर्व में क्या अंतर है। तो दोस्तों, जैसे ये एक लाइन है और मान लीजिए यहाँ पर जो है ईसा मसीह का जन्म हुआ है। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट के आगे जब हम जाते हैं 1, 2, 3 तो इनको हम पढ़ा करते हैं एडी, यानी कि ईसवी। एडी पढ़ते हैं, ईसवी पढ़ते हैं, या एनो डोमिनी भी से कहते हैं। इस पॉइंट के पीछे जब हम जाते हैं तो इसको हम पढ़ते हैं ईसा मसीह के पूर्व का पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, इसको हम पढ़ते हैं दोस्तों बिफोर क्राइस्ट या बीसी या ईसा पूर्व। तो ये अंतर आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये अंतर समझाना इसलिए आवश्यक है दोस्तों क्योंकि आगे पॉइंट्स आते हैं, हम ये पढ़ा करते हैं इस चैप्टर के अंदर, ऋग्वेद की रचना जो है 3500 वर्ष पूर्व हुई। अब 3500 वर्ष पूर्व का मतलब क्या है? आज से 3500 वर्ष पूर्व, आज चल रहा है दोस्तों 2020, ठीक है। अब 2020 में से आपको 3500 घटाना पड़ेगा, बचेगा 1500, ठीक है। यानी कि 1500 ईसा पूर्व में ऋग्वेद की रचना हुई, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ कि ईसा पूर्व और ईसा यानी बीसी एंड एडी में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम चैप्टर की। चैप्टर में हम पहला पॉइंट देख रहे हैं कि नर्मदा नदी के तट पर कई लाख वर्ष पूर्व से लोग कुशल संग्राहक और आखेटक के रूप में रहते थे। कई लाख वर्ष पूर्व, कुशल संग्राहक। संग्राहक का मीन क्या होता है? संग्राहक का मीन होता है वे लोग जो वस्तुएं कलेक्ट कर कर अपना जीवन निर्वहन करते हैं, संग्रह करके, ठीक है। आखेटक मीन्स आखेट करके। कई लाख वर्ष पूर्व नर्मदा नदी जो है दोस्तों यहाँ पर है, बता देता हूँ आपको मैप पे। एक आपको हिस्ट्री जब आप स्टडी करते हो तो आपको मैप का आइडिया ज़रूर होना चाहिए। मैप का अगर आपको आइडिया होता है तो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पर नर्मदा नदी थी है, तो यहाँ ये लोग जो है संग्राहक और आखेटक के रूप में रहते थे। अगले पॉइंट की हम बात करेंगे कि उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथार पहाड़ियों वाले क्षेत्र में 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। अब पहले पॉइंट में तो हमने बात की थी लाखों वर्ष पूर्व लोग जो है वो संग्राहक और आखेटक के रूप में रहते थे। अब बात आ गई है आज से 8000 पूर्व की। अब 8000 पूर्व का मतलब क्या है? कितना ईसा पूर्व? ये तो है ईसवी में, ठीक है, 8000 वर्ष पूर्व। अब इसमें से आपको 8000 में से 2020 को माइनस करना पड़ेगा। जब आप 8000 में से 2020 को माइनस करेंगे तो बचेगा 5800, यानी कि 5800 ईसा पूर्व की ये बात कर रहे हैं। कि लाखों वर्ष पूर्व तो जो थे लोग नर्मदा नदी के किनारे कुशल संग्राहक और आखेटक के रूप में रहते थे, ठीक है। लेकिन बात करेंगे 8000 वर्ष पूर्व की, तो नॉर्थ वेस्ट में सुलेमान और किरथार पहाड़ियों वाले क्षेत्र में स्त्री पुरुषों ने क्या किया कि सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया, और इन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे, ठीक है, गांव में रहना इन्होंने शुरू कर दिया। आगे बात करेंगे हम
कि उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में, गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों वाले क्षेत्रों में भी कृषि का विकास हुआ। विंध्य के उत्तर में स्थित स्थान पर सबसे पहले चावल उपजाया गया। गेहूं, जौ और चावल का उपजाना इन्होंने शुरू कर दिया। अब बात करेंगे सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे लगभग 4700 वर्ष पूर्व, यानी कि आज से 4700 वर्ष पूर्व। तो अब आप काउंट कर लीजिए 2020 में से माइनस करके कि कितना ईसा पूर्व की ये बात कर रहे हैं। आरंभिक नगर फले फूले। अब दोस्तों, हमने पहले जो है वो पढ़ा है कि गांव में रहना शुरू कर दिया 8000 वर्ष पूर्व, लेकिन अब बात कर रहे हैं कि 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर फलना फूलना शुरू हो गए। गंगा व इसके जो सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। 2500 वर्ष पूर्व आज से, ठीक है, तो आप इसको माइनस करके देख लेना, ये बचेगा आपके 2020 में से जो है आपको 2500 में से आपको 2020 को माइनस करना है, तो वो आपके सामने आ जाएगा। अब आगे बात करेंगे कि सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे लगभग 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर फले फूले, ये पॉइंट हमने पढ़ लिया। अगला पॉइंट है गंगा के दक्षिण में सोन नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। जो दोस्तों गंगा के जो आसपास का क्षेत्र था, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सोन नदी के आसपास का क्षेत्र है वो मगध के नाम से जाना जाता था। और ये जो था मगध, ये विशाल स्टेट था, बहुत विशाल था, देश के अन्य हिस्से भी ऐसे ही स्टेट थे। अगला पॉइंट है कि दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है। अब हिस्ट्री के पॉइंट में ही यहाँ पर एक ज्योग्राफी का पॉइंट आता है इसी चैप्टर के अंदर। तो साउथ एशिया जो है एक महाद्वीप है, सॉरी एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि दक्षिण एशिया को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका आदि देश इसमें आते हैं। अब अपने देश के लिए हम इंडिया या भारत जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द जो है वो इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत भाषा में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व, ठीक है, उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानियों तथा यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित प्रदेश को इंडिया कहा। एक पॉइंट और आता है इसमें कि भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के द्वारा, एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक जो कृति है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पुराने पहले हुई है, तो उसमें ये नाम मिलता है। अब यहाँ वो पॉइंट आ रहा है कि ऋग्वेद की रचना आज से 3500 वर्ष पहले हुई, तो अब आप माइनस कर लीजिए कि कितने ईसा पूर्व में ये हुई, ठीक है। अगला पॉइंट है दोस्तों इतिहास और तिथियां। ये पहले ही चैप्टर में ये चीज़ इन्होंने बताई है बीसी, एडी एंड बीपी के बारे में। बीसी मींस बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व भी कहते हैं इसको, और इसे ही बीसीई भी कहते हैं, बिफोर कॉमन्स एरा। एडी जो है, एडी यानी ईसा पूर्व के बाद का जो समय है, ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय है उसको एडी कहते हैं, एनो डोमिनी से कहते हैं, ईसवी भी से कहते हैं और सीई भी से कहते हैं, कॉमन एरा, ठीक है। एक वर्ड आता है बीपी, बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले। तो ये तीनों ही पॉइंट थे। अब है कि अब बात करेंगे कि अतीत के बारे में कैसे जाने, मतलब हम पास्ट जो था हमारा उनकी जानकारी हमें कहां कहां से मिलती है। तो पहली बात आई है यहां पर पांडुलिपि की, मेनुस्क्रिप्ट की। लैटिन भाषा के जो शब्द है मेनु से बना है,
मैन्यूस्क्रिप्ट, इसमें तारपत्रों या भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर जो है पांडुलिपियाँ का जो है मिलता है उल्लेख। उन छालों पर जो है दोस्तों हाथ से लिखित जो हमें लेख मिलते हैं उन्हीं को पांडुलिपियाँ कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट आता है लिखित स्रोत। लिखित सोर्सेज भी हैं जिनसे हमें पास्ट के बारे में जानकारी मिलती है कि इतिहास में क्या हुआ था। उनमें हैं महाकाव्य, कविताएं, नाटक, संस्कृत, प्राकृत या तमिल भाषा में कई विदेशी तथा देसी विद्वानों द्वारा लिखित, ठीक है। कई जो विदेशी यात्री यहाँ इंडिया में आए, हेनसांग वगैरह, उन्होंने भी अपना यात्रा वृत्तांत दिया है, तो उनका जो है यात्रा वृत्तांत वो एक लिखित सोर्स है हमारे भूतकाल को जानने के लिए। आगे बात करेंगे अभिलेख। अब अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख वर्ड आपने खूब सुना है, पत्थर अथवा धातु पर उल्लेखित शासकों के आदेश, प्रशंसा, वंशावली एवं कार्यों का विवरण विभिन्न भाषाओं और लिपियों में, उसे कहते हैं हम अभिलेख। जैसे आज भी अगर कोई सड़क बना करती है तो उस पर साफ लिखा होता है कि ये प्रधानमंत्री के द्वारा बनाई गई है, तो वो भी एक अभिलेख है। किसी भी पत्थर या धातु पर कोई लेख को खुदवाना ही जो है अभिलेख कहा जाता है। अशोक ने कई अभिलेख खुदवाए थे, ठीक है। आगे बात करेंगे, वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जो अशोक के आदेश पर लिखा गया था। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और अरामाइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। और यहाँ पर ये चैप्टर में कुछ फोटोज़ भी दिए गए हैं अभिलेखों के, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है दोस्तों यहाँ फिनिश होता है। आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो साबित होगा आने वाले एग्ज़ाम्स में। तो ये था चैप्टर 1। आगे बात करेंगे अगले चैप्टर की। तब तक के लिए धन्यवाद।